यकीन करना मुश्किल है, पर दिल्ली की गगनचुंबी इमारतों के बीच हरियाली से भरा एक वन भी है जो दिल्ली वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हरियाली के प्रतीक नंदन वन की। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा ग्रेटर कैलाश वन में इस विशेष अम्यूजमेंट पार्क नंदन वन का निर्माण बच्चों को मोबाइल व टीवी की बढ़ती लत से दूर करने और उन्हें प्रकृति के करीब लाने के लिए किया गया है। इस इको फ्रेंडली पार्क की हर चीज, चाहे वो खिलौने हों, वाद्य यंत्र हों, तरबूज की शक्ल की बेंच हों या हाथ के पंजे की शक्ल की कुर्सियां, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के मन को भी खूब भाती हैं। इतना ही नहीं, संगीत का आनंद लेने के लिए यहाँ गजीबो, पियानो जैसे अच्छी क्वालिटी के वाद्य यंत्र भी मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों की फिजिकल फिटनेस के लिए स्लाइड्स, बैम्बू हट और बड़े मल्टीप्ले स्टेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सेंसरी वॉल भी बनाई गई है। नेत्रहीन बच्चे भी इस दीवार पर बनी आकृतियों को छूकर महसूस कर सकेंगे। यहाँ वॉल होला झूला लगाया गया है जो शायद भारत के किसी भी पार्क में नहीं है। करीब 1.5 एकड़ में बने इस पार्क में सिर्फ बच्चों के साथ आए अभिभावकों को ही अंदर जाने की अनुमति है। सोमवार के अलावा सप्ताह के 6 दिन प्रति व्यक्ति 20 रुपए के टिकट पर सुबह 10 बजे से पार्क में घूमने के लिए आ सकता है।